Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. I am Neha Rawat, as you already know, and आपको फिर ये भी पता होगा कि करना क्या है. तो guys, daily आपको ये बोला जाता है subscribe करो, like करो, share करो. अब आप इसके used to हो चुके होंगे. तो guys, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि finally अभी हम अपना room transformation करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें सीलन की प्रॉब्लम आ रही है. एंड कोई भी कभी भी हम उसमें पेंट करवाते हैं तो वो हमेशा ही ऐसे हो जाता है, पता नहीं कितने टाइम से उसमें पेंट नहीं हुआ होगा. तो फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि हमने उस पर डैम्प प्रूफिंग सब कुछ करवा लिया है. डॉक्टर फिक्सेड, पता नहीं क्या क्या चीजें आती है, जो चीजें डलवाते हैं बोलती है कि उससे सीलन नहीं आती है. बट वी हैव डन एवरी थिंग फ्रॉम आर एंड, हमने सारी चीजें कर ली है. बट लास्ट में फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि हम वॉलपेपर लगाएं. एक बार वॉलपेपर लगा के भी देख लेते हैं. वॉलपेपर, पीवीसी वॉलपेपर्स भी आते हैं जिसमें बोलते हैं कि हाँ सीलन तो आती आती है, उसको आप रोक नहीं सकते हो. बट ये है कि वो उसके ऊपर कवर नहीं कर सकती, उसको ऊपर नहीं आ सकती, ऊपर आने में थोड़ा टाइम लग जाता है. तो हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम उसमें वॉलपेपर ही लगवाते हैं. तो वॉलपेपर हम जब जाएंगे फाइनल करने मार्केट में, तब हम मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि हमने कौन सा सिलेक्ट किया है फाइनली. और जो हम पर्दे उस दिन लेके आए थे, कर्टेन्स खरीद के लेके आए थे, तो एक्चुअली मुझे ना पसंद पहले कोई और कलर आया था, तो उसके साथ जो आजकल मैचिंग में चलते हैं तो वो नहीं था प्लेन. तो मैंने क्या करा, उसी का सेम, वही डिजाइन का सेम दूसरा कलर ले लिया था. बट विशाल को भी वो ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था, मुझे भी नहीं आया था. बट हम ले आए थे कि यार चल छोड़ो, बार बार मार्केट के चक्कर कौन लगा रहा है, यही ले लेते हैं. तो बाद में वो प्लेन वाले जो कर्टेन्स हैं, मैंने किसी और शॉप से पूछे तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारे पास मिल जाएंगे. तो फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि हम जो पहले अभी पर्दे लाए हैं उसको वापस करवा दें, एक्सचेंज करा दें उसी शॉप से, और जो पसंद थे हमें वही कलर ले आए, और प्लेन वाले जो हैं हम दूसरी शॉप से ले लेंगे. तो फाइनली ये डिसाइड हुआ है हमारा. एंड एक जो वॉल है हमारी, एक में वॉलपेपर रहेगा जो बेड के हमारे पीछे रहेगी. एंड दूसरी वॉल का मैंने डिसाइड किया है कि ऑफ व्हाइट कलर रहेगा, जो नॉर्मली व्हाइट कलर रहता है. एंड कुछ फोटोज मैंने अनु की ऑनलाइन ऑर्डर करी थी हमारी, तो हमने सोचा था कि उस वाले में पूरी वो वॉल हम पूरी फोटोज से कवर करेंगे जो फ्रेम लगी हुई थी. तो मैं आपको दिखाती हूँ, वो फोटोज कल आ गई है फाइनली. एंड आई एम सो एक्साइटेड कि हाँ वो बहुत अच्छी लगेगी वहां पे लगते हुए. वेट, एक ये है, एक ये हम लगाएंगे. आप देख सकते हैं ये इतनी बड़ी है, ये देखिए. ये आनू की तब की फोटो है जब आनू 8 मंथ का था. ये 8 मंथ की फोटो है उसकी. एंड सेकंड वन है हमारी तीनों की. सी, ये हमारी तीनों की फोटो. थर्ड वन भी मेरी पुच्चू की फोटो है. लाइट पड़ रही है थोड़ी, ये देखिए. ये अनु की तब की फोटो है जब उसकी जब वो 6 मंथ का था. एंड ये अनु की फर्स्ट जन्माष्टमी की नहीं है, ये अनु की सेकंड जन्माष्टमी की फोटो है. जब कोरोना टाइम चल रहा था तो मैंने बस ऐसे ही उसको गेटअप वगैरह करके उसको, ये मुकुट भी देखिए मैंने बनाया है, हैंडमेड है, सब कुछ मैंने उसका करके फोटो खींची थी घर पे. तो ये है, ये 4 फोटो अभी करवाई है. अभी और फोटो प्रोसेस में है ऑनलाइन, अभी हम देंगे. एक तो प्रोसेस में है, एक अभी और देंगे. तो 2 फोटो मेरे ख्याल से इनफ है. हाँ, इतनी ही कुछ दीवार होगी हमारी जो रूम की है, तो इसमें 5-6 फोटो जैसे लग जाएंगी तो काफ़ी अच्छा गेटअप आ जाएगा उसका. तो ये 4 फोटो है अभी, तो 2 फोटो और करवाएंगे तो फाइनली हो जाएगा. वेरी गुड. गुड बॉय. सो गाइस, अभी मजदूरों के लिए
एक ये मजदूर नंबर वन एंड मजदूर नंबर टू के लिए चाय आ चुकी है। ये लो चाय पियो। मजदूर नंबर वन चाय। इसी मजदूर के लिए कल व्रत। हम लोग अपने आप को मजदूर बोलते हैं, वो कह रहे इसी मजदूर के लिए व्रत कल व्रत करेंगे। और मैं भी इन मजदूरों को चाय ज्वाइन करते हुए, मैं एक्चुअली इन मजदूरों के साथ चाय ज्वाइन करते हुए, क्योंकि मैं वैसे ही नहीं हूँ ना कि चलो यार ये मजदूर दूर रहते हैं इनके साथ बैठ के चाय पीती। नहीं कोई बात नहीं, मैं ऐसी टाइप की नहीं हूँ, मैं सबके साथ मिलके बैठ के चाय पीती हूँ। आ जाओ पी लो। तो फ्रेंड्स ये है अभी हमारे कमरे की झरगड़ हालत, मीन्स गंदी सी हालत। ये देखो ये सारी चीजें अभी अच्छी हो जाएंगी। अनु होगी ना? अनु बोलो होगी। अनु बोलो होगी। मैं आपको बाहर से एक लुक दिखाती हूँ। ये पूरा देखो कितनी सील ना रखी है। ये सारा अभी बाद में ठीक होगा और सारा ठीक करके आपको बताएंगे। ओके बाय बाय।